हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्लिपर न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर वन है। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर गिवन नेटवर्क। हमें जो है ये जो सर्किट दिया गया है इसका जो है आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पर आएगा उसकी आउटपुट वेवफॉर्म खींचनी है। वेवफॉर्म मीन्स जैसे इनपुट वेवफॉर्म वीआई की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कि इनपुट ऐसा दे रहे हैं तो आउटपुट की वेवफॉर्म का शेप कैसा होगा। हालांकि अब जानते हैं कि क्लिपर में इनपुट वेव पॉजिटिव वेव या नेगेटिव वेव कोई वेव या सम पोर्शन जो है क्लिप हो जाता है, मतलब क्लिप आउट हो जाता है, मतलब कट हो जाता है या ट्रिम्ड हो जाता है, मतलब जितनी वेव फॉर्म दी गई है इसमें से कुछ हिस्सा कम हो जाएगा आउटपुट वेव फॉर्म पर। तो जो भी इस सर्किट में आउटपुट में आएगा उसको स्केच करके दिखाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में को जो सॉल्व करना है, दो केस में सॉल्व करेंगे। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब चलेगी तब हम, ये दूसरा है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर दो केस में हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को देखें हम तो बायस्ड क्लिपर लग रहा है क्योंकि डायोड और रजिस्टर तो लगा ही हुआ है लेकिन इसमें साथ में बैटरी भी लगाई गई है, बायस किया गया है बैटरी से। यहाँ पर एसी सिग्नल प्रोवाइड कराया गया है, एसी जो ए वाला सिग्नल आ रहा है एसी सिग्नल है। तो जब वी आई की वैल्यू, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत गौर करके देखिए आप, केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जब इस वोल्टेज को जीरो रखते हैं, मान लीजिए ये वोल्टेज जीरो है यहाँ पर है, तो इस सिर्फ इस बैटरी की वजह से डायोड किस में होगा, डायोड यहाँ पर माइनस है, ये एनोड है, ये कैथोड है, डायोड का एनोड नेगेटिव से और इधर से होते हुए कैथोड पॉजिटिव से डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में। तो ये डायोड इस वोल्टेज की वजह से रिवर्स बायस में है और ये वोल्टेज यहाँ पर वी आई की वैल्यू जीरो है। यदि वी आई की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है जीरो वोल्ट, हालांकि यहाँ पर 10 वोल्ट है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, जब वी आई की वैल्यू 4 वोल्ट हो जाएगी तो सर्किट ऐसे बिहेव करेगा जैसे इसमें कोई भी इनपुट प्रोवाइड ना कराया गया हो। जब वी आई की वैल्यू जब तक जो है 4 वोल्ट से या 4 वोल्ट के बराबर रहेगी तब तक डायोड क्या रहेगा, यहाँ पर रिवर्स वाइस में रहेगा और रिवर्स वाइस में क्या होता है, ओपन सर्किट रहता है। तो ये सर्किट 0 वोल्ट से 4 वोल्ट के बीच में ओपन सर्किटेड रहेगा। तो यहाँ पर एक केस बनता है व्हेन बी आई इज लेस देन 4 वोल्ट। जब तक बी आई की वैल्यू लेस देन 4 वोल्ट रहेगी तब तक यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमने केस फर्स्ट माना है बी आई इज लेस देन 4 वोल्ट ए वाला केस। तो जब 4 वोल्ट से लेस देन रहेगा बी आई की वैल्यू तो ए वाला डायोड क्या रहेगा, रिवर्स वायस में तो ओपन सर्किटेड बिहेव करेगा। ये जैसा ओपन सर्किटेड बिहेवियर होगा इसका, जब ये ओपन सर्किट जो यहाँ पर हमने वही सर्किट ओपन सर्किट फर्स्ट के लिए खींचा है, तो जब ए डायोड जो है रिवर्स वायस में रहेगा तो ओपन सर्किट रहेगा। तो जो भी इस बैटरी से आएगा इनपुट वोल्टेज, इस रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ पर वोल्टेज निश्चित तौर पर बी इक्वल टू आई इंटू आर, इसमें करंट आई की वैल्यू जीरो होगी, तो इसमें इस रजिस्टर में भी 1 किलो ओम है। क्लियर है? तो हमें आर एल लिख लिया है इसकी वैल्यू, हालांकि आर एल लिख के नहीं दिया, हम आर एल मान लेते हैं कि 1 किलो ओम का है। इस न्यूमेरिकल में आर एल की कितनी वैल्यू है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी वैल्यू दी गई हो 1 किलो ओम 2 किलो ओम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर में। तो बी नॉट जो है यहाँ पर आर एल में जो वोल्टेज मिलेगा वही बी नॉट होगा, तो यहाँ पर आर एल में जो है करंट नहीं आ रही इसलिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। तो हमने लिखा बी नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट। कब? तो जब तक वोल्टेज बी आई की वैल्यू 4 वोल्ट से लेस देन रहेगी तब तक आउटपुट वोल्टेज निश्चित तौर पर 0 वोल्ट होगा। तो इसको हम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 0 वोल्ट मिलेगा जब तक बी आई की वैल्यू लेस देन 4 वोल्ट रहेगी। क्लियर है? केस फर्स्ट। अब इसके बाद आता है केस सेकंड, व्हेन बी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट। जब बी आई की वैल्यू 4 वोल्ट से ग्रेटर देन हो जाएगी, व्हेन बी आई इज, यहाँ पर लिखना होगा बी, ए वाला सिंबल उल्टा लगा हुआ है, व्हेन बी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट। जब ये 4 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो जो यहाँ पर, ये तो लेस देन इसी का था,
ये तो ठीक था लेस देन, यहाँ पर जब बी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट, जब ए वोल्टेज 4 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, ये तो गिवन था, यहाँ पर लिखना था 4 वोल्ट, तो ए बी आई की वैल्यू जब 4 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो ए वाला 4 वोल्ट का अपोज करेगा, मान लीजिए 5 वोल्ट हो जाता है तो 4 वोल्ट तो ये माइनस में लगा है, अपोज करेगा, माइनस प्लस प्लस पास में है तो 5 वोल्ट में से 4 वोल्ट चला जाएगा, इससे मतलब 1 वोल्ट आएगा, 1 वोल्ट की करंट यहाँ पर फ्लो होगी, 1 वोल्ट के वोल्टेज से जो भी करंट फ्लो होगी। यदि ए वोल्टेज 4 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो ए डायोड निश्चित तौर पर फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में डायोड आ गया तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। जब बी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट, डायोड शॉर्ट सर्किटेड, डायोड यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो डायोड था, ए डायोड कैसा हो जाएगा भाई, ये डायोड शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। क्लियर है? कब की बात है? व्हेन बी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट, बी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर ए वोल्टेज जो है निश्चित तौर पर डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, जो भी यहाँ से वोल्टेज आएगा पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर खर्च होगा। अब यहाँ से वोल्टेज 2 आ रहे हैं, एक तो बी आई आ रहा है, बी आई की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकती है, धीरे धीरे बढ़ेगी, और 4 वोल्ट है, यहाँ पर आया माइनस प्लस, और यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर निश्चित तौर पर आएगा प्लस 4 वोल्ट ग्रेटर देन 4 वोल्ट, और यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस। तो यहाँ पर केवीएल लगा दें अगर हम, तो बी आई की वैल्यू है बी आई माइनस 4 वोल्ट माइनस बी नॉट, यहाँ पर बी नॉट ही लेंगे डायरेक्ट, आई एल इंटू आर एल नहीं लेंगे, यहाँ पर बी नॉट ले लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। तो बी आई माइनस 4 वोल्ट, और यहाँ पर करंट ऐसे ऐसे जाने की संभावना है, तो यहाँ पर बनेगा प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस बी नॉट, तो बी नॉट इक्वल टू आएगा, बी नॉट इधर ले आते हैं, तो बी नॉट इक्वल टू आएगा बी आई माइनस 4 वोल्ट, बी आई माइनस 4 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन से इसी के दो आंसर आ गए आपके पास, बी नॉट 0 और बी नॉट इक्वल टू बी आई माइनस 4 वोल्ट। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आउटपुट वेव फॉर्म है, ये है आउटपुट वेव फॉर्म बी नॉट, जो उसने कहा था स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म बी नॉट, इसी वेव फॉर्म के खींचने के मार्क्स मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू कितनी है, ये तो इनपुट वोल्टेज बिल्कुल सेम बना हुआ है जैसा था बी आई, यहाँ पर हमने बी नॉट लिया है, अब बी नॉट की वैल्यू कैसी जाएगी, ध्यान रखिए यहाँ पर जब 4 वोल्ट प्लस का है तो हमने 4 वोल्ट पर यहाँ पर एक जो है डॉटेड लाइन खींच ली। अब जब ए वोल्टेज इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, तब जो है 0 वोल्ट होगा तो ए जो है 0 वोल्ट ही आएगा, जब इसकी वैल्यू 1 वोल्ट होगी, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट जब तक नहीं होगी, डायोड कैसा रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा रिवर्स वायस में, तो ए वाला वोल्टेज जब तक ऐसे ऐसे बढ़ते यहाँ नहीं जाएगा तब तक बी नॉट की वैल्यू 0 वोल्ट ही आएगी। तो यहाँ पर हमने देखी, यहाँ पर जो है आपका 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 0 वोल्ट, कब तक 0 वोल्ट यहाँ पर, और जब ए 4 वोल्ट से ग्रेटर देन हो जाएगा, ए वाला केस आ गया, आप बी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट, बी आई की वैल्यू 4 वोल्ट से जब ज़्यादा हो जाएगी तो वोल्टेज आ रहा है आपका कितना, बी आई माइनस 4 वोल्ट। अब बी आई की मैक्सिमम वैल्यू है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं बी आई की वैल्यू 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट इक्वल टू 6 वोल्ट, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज की रेंज जो जा रही है यहाँ पर, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे बढ़ेगी, ऐसे जाएगी ऐसे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट के बाद डायोड में ए वाला वोल्टेज बी आई की वैल्यू लेस देन 4 वोल्ट फिर हो गया, तो इसी केस में फिर आ गए हम, जब लेस देन 4 वोल्ट होगा तो ये बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से लेके इनपुट वोल्टेज की 4 वोल्ट से लेस देन, ये पूरी वेव फॉर्म है, ये पूरी वेव फॉर्म है, तो इस पूरी वेव फॉर्म के लिए ए वाला नियम लगेगा बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पर ए वाली वोल्टेज जो आ रही है कि आपकी फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म इतनी आएगी इस शेप में। क्लियर है? जब अगली साइकिल आएगी तो भी इतने ही टाइम के लिए हाई होगा और फिर लो होगा, हाई होगा लो होगा, तो यहाँ पर एक साइकिल के लिए हमने आउटपुट खींचा है, ये आउटपुट निश्चित तौर पर यहाँ 6 वोल्ट लिख दो, यहाँ पर भी 6 वोल्ट आप लिख सकते हैं इसके टॉप पर। क्लियर है? तो ये तो स्केच करने के लिए कहा था, स्केच हमने कर दिया इसको। अब इसके बाद क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर गिवन नेटवर्क। जो ये गिवन नेटवर्क दिया गया है, पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन, तो ये फिगर बना होगा, ये इनपुट वेवफॉर्म बनी होगी जब इसकी जो है ये सर्किट है जो बिल्कुल इसी सर्किट की तरह है लगभग, लेकिन वेवफॉर्म अलग आएगी क्योंकि इस सर्किट में डायोड और रजिस्टर बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें बैटरी की डायरेक्शन बदल दी। बैटरी की डायरेक्शन बदलने से आउटपुट बहुत कुछ चेंज हो गया होगा, देखना है क्या होता है। अब बैटरी बदली है, इस क्वेश्चन की बैटरी प्लस यहां था माइनस यहां। एक बात और समझ लें, जब यहां पर बैटरी का प्लस हो, इस शेप में जब क्वेश्चन हो यहां पर बैटरी का प्लस हो, तो निश्चित तौर पर जितने वोल्ट की बैटरी लगी हो उतने से डॉटेड लाइन डाल लेंगे आप, तो वहां से डॉटेड लाइन गिरा लेंगे, उतने के ही वोल्ट के बीच में ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। मींस हमें आउटपुट में सिर्फ इतना वोल्टेज मिल रहा है, सिर्फ इतना वोल्टेज मिला है आउटपुट, नीचे की पूरी वेव कट हो गई है, मतलब नेगेटिव साइकिल कट गई और पॉजिटिव साइकिल का भी कुछ पोर्शन कट गया है। क्लियर है, ये बायस्ड कैलिपर था। इसके बाद इस क्वेश्चन में भी वही है कि बैटरी इसमें भी लगी, ये भी बायस्ड कैलिपर होगा, तो यहाँ पर जो है आपका 4 वोल्ट का वोल्टेज लगा, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। यदि ये वोल्टेज बीआई की वैल्यू 0 होगी, जब 0, अभी हमें समझना होगा, पहले इसको गौर करके देखते हैं, कुछ करना नहीं है, पहले देखते रहिए। जब इसकी वैल्यू 0 होगी, ये 4 वोल्ट तो फिक्स है क्योंकि ये डीसी है, यहाँ पर एसी है, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब बीआई की वैल्यू 0 वोल्ट होगी तब ये सर्किट क्या कर रहा होगा, इस बैटरी की वजह से, ये तो डीसी है, डीसी तो 4 वोल्ट बिल्कुल फिक्स है, 4 वोल्ट है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इस बैटरी की वजह से यहाँ से होते हुए यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ माइनस, डायोड हो गया किसमें, फॉरवर्ड बायस में। जब बीआई की वैल्यू 0 होगी तब भी फॉरवर्ड बायस में है, इसकी प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब इन दोनों वोल्टेज की वजह से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही होगी इस पूरी साइकिल के लिए, ये डायोड निश्चित तौर पर फॉरवर्ड बायस में होगा और ये शॉर्ट सर्किटेड होगा। जब ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो ये कैसा सर्किट बनेगा, यहाँ पर 4 वोल्ट है, यहाँ पर बीआई है और यहाँ पर ये आरएल है, तो जितना वोल्टेज यहाँ से आएगा, जब वोल्टेज यहाँ खर्च होगा टोटल वोल्टेज, क्योंकि डायोड जो है आइडियल है तो ये शॉर्ट कर जाएगा फॉरवर्ड बायस में आते ही, तो यहाँ पर बी आई प्लस 4 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे हम, केबीएल लगा के निकालेंगे इसको, तो ये भी केस दो में ही सॉल्व कर रहे हैं हम। केस फर्स्ट है व्हेन बी आई इज, यहाँ पर ध्यान रखिए, बी आई इज, ये केस बहुत विचित्र है, बी आई इज ग्रेटर देन माइनस 4 वोल्ट। देखिए पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस में है, क्लियर है, चाहे इसकी वैल्यू 0 हो चाहे इसकी वैल्यू 10 वोल्ट हो, तब भी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, क्लियर है। और जब इस वोल्टेज में, इस वोल्टेज की वैल्यू घटते घटते यहाँ पर आया 0 वोल्ट होगा तब भी फॉरवर्ड में था, जब ये वोल्टेज घटते घटते माइनस वाली साइकिल चल जाएगी, माइनस 4 वोल्ट जब आएगा यहाँ पर कहीं पर, माइनस 4 वोल्ट इसकी वैल्यू जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। जब ये माइनस 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, तब भी सर्किट ऐसे काम करेगा जहाँ से कोई सप्लाई ना दी गई हो, कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जब ये 4 वोल्ट से ज्यादा होगा, माइनस 4 वोल्ट से ग्रेटर देन होगा, तब ये डायोड निश्चित तौर पर चला गया होगा किसमें, रिवर्स बायस में। तो ये कैसे काम करेगा, ओपन सर्किटेड काम करेगा। वही केस लगा, केस फर्स्ट में व्हेन बी आई इज लेस ग्रेटर देन माइनस 4 वोल्ट। माइनस 4 वोल्ट कहाँ है, माइनस 4 वोल्ट यहाँ है, सही कहें तो माइनस 4 वोल्ट यहाँ, तो सब प्लस में चल रहा था 0 से 10 वोल्ट तक, -1, -2, -3, -4 वोल्ट। तो -4 वोल्ट जब हो जाएगा तभी डायोड रिवर्स बायस में आएगा। तो हमने पहला केस बनाया व्हेन बी आई इज ग्रेटर देन -4 वोल्ट, डायोड शॉर्ट सर्किटेड। तो डायोड किस में रहेगा, जब तक ये ऊपर रहेगा ज्यादा रहेगा, डायोड शॉर्ट सर्किटेड रहेगा, शॉर्ट सर्किटेड। तो बी आई इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट, डायोड शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें यहाँ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, इसमें केवीएल लगा दिया हमने, तो बी आई और माइनस मिला यहाँ पर, तो प्लस 4 वोल्ट, और यहाँ पर आएगी करंट ऐसे फ्लो होनी है इसमें, तो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, तो ये ले लिया माइनस बी नॉट। तो बी नॉट इक्वल टू निकालें तो कितना आएगा, बी आई प्लस 4 वोल्ट आएगा आपका, बी आई प्लस 4 वोल्ट, क्लियर है।
जब तक वोल्टेज की वैल्यू -4 वोल्ट से ज़्यादा रहेगी तब तक। इसको बहुत गौर करके इस फिगर को देखते रहना, तब समझ में आएगी ये बात। और ये केस भी तभी पकड़ में आएगा, 0 से ऊपर होगा और -4 वोल्ट के बीच में जब इतना वोल्टेज रहेगा तब तक डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो बी नॉट इक्वल टू कितना आएगा, Vi+4 वोल्ट ही मिलता रहेगा आपको। क्लियर है केस फर्स्ट में। अब आते हैं केस सेकंड, व्हेन Vi इज लेस देन -4 वोल्ट। Vi की वैल्यू ए है 4 वोल्ट से लेस देन -4 वोल्ट, यहां से लेके यहां तक के वोल्टेज के बीच में जो इनपुट आ रहा है, यहां से जब तक यहां, तो यहां क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा प्लस और यहां बन जाएगा माइनस। अभी 4 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा जब इसकी वैल्यू माइनस में है, तो ये वोल्टेज को कैंसिल आउट कर देगा और यहां पर डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस में, तो क्या केस बनेगा, डायोड ओपन सर्किटेड हो जाएगा। तो हमने ये वाला सर्किट, जो ये वाला था, ये डायोड हो गया ओपन, हमने यहां पर बनाया है। जब ये डायोड ओपन हो गया तो यहां पर इस दोनों की वैल्यू कुछ भी बनी रहे अब, क्लियर है, तो यहां पर ओपन हो गया तब तो इसमें करंट हो गई 0, ओपन सर्किटेड हो गया सर्किट तो इसमें करंट 0 हो गई, तो बी नॉट की वैल्यू भी निश्चित तौर पर 0 वोल्ट हो गई। तो यहां पर लिखा है B0=0 वोल्ट। क्लियर है। अब आती है दोनों केस सॉल्व हो गए अपने। अब अपने पास एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन ए है, इसी के हिसाब से वेव फॉर्म बना देंगे हम। वेव फॉर्म देखिए कैसी बनेगी। बी आई हमने यही वाला लिया है जो ये वाला था, 0 से 10 वोल्ट, -10 वोल्ट यहाँ लिखा होगा, -10 वोल्ट, 10 वोल्ट प्लस का। अब यहाँ पर जब ए ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पर माइनस बैटरी का 4 वोल्ट है, तो हमने वेव फॉर्म खींचने के पहले -4 पर डॉट डॉट लाइन डाल ली। जहां पर ये -4 वोल्ट पर डॉट डॉट लाइन डाल रही है, वहां ग्रीन कलर से हमने डॉट डॉट लाइन लाए हैं ग्रीन कलर के मार्कर से, और जहां पर ये 0 को क्रॉस कर रहा है वहां से भी डॉट लाइन गई है, क्योंकि इसकी सख्त आवश्यकता है। अब यहां पर आपको बनानी है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म बनेगी तो जब ग्रेटर देन 4 वोल्ट होगा तो कितना है, Vi+4 वोल्ट हो रहा है। अब Vi की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट, और 4 वोल्ट उसमें जुड़ना है, तो निश्चित तौर पर ये 14 वोल्ट तक जाना चाहिए इसके आउटपुट को। लेकिन जब Vi की वैल्यू 0 वोल्ट होगी, तब भी आउटपुट में वोल्टेज डायोड इसकी वजह से किसमें था, फॉरवर्ड बायस में, तो 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप तब भी हो रहा था यहाँ का, तो स्टार्टिंग ही इसकी 4 वोल्ट से होगी, 4 वोल्ट से ही स्टार्टिंग होगी इस वेवफॉर्म की, 4 वोल्ट से स्टार्टिंग होगी। तो हम यहाँ पर 4 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगी, 4+10 कितने वोल्ट तक जाएगी, ये निश्चित तौर पर 4+10 मतलब 14 वोल्ट तक जाएगी, ये 4+10 14 वोल्ट। अब 4 वोल्ट के बराबर फिर आ गया, जब 4 वोल्ट के बराबर आ गया तो 4 वोल्ट के बराबर आ गया जब, तो Vi तो ये निश्चित, देखिए ये वोल्ट हो गया 4 वोल्ट, तो ये ऊपर रहेगा जब तक, तो डायोड था फॉरवर्ड बायस में। अब जब 4 वोल्ट से नीचे जाने लगा, यहां पर जाने लगा, तब भी अभी डायोड फॉरवर्ड बायस में, 0 से 4 वोल्ट पर, तो 0 से 4 वोल्ट तक डायोड फॉरवर्ड में है, तो B0=Vi आना था, B0=Vi+4 वोल्ट। तो यहां पर 0 था, ये 0 था, तो ये 4 वोल्ट आ रहा था। अब ये 0 से -1 हुआ, -2 हुआ, जब -1 हुआ तो आएगा -3, तो ये 3 बचेगा 4 में से, और 2 हो गया तो ये 2 हो गया, और जब ये धीरे धीरे आते आते 4 होगा तो ये 0 हो गया। जब 0 हो गया तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये वेवफॉर्म यहाँ पर ऐसे जाएगी, क्लियर है। और जब ये 4 वोल्ट से, जब ए वाला वोल्टेज यहाँ पर आ गया, जब ये वोल्टेज यहाँ पर आ गया 4 वोल्ट से कम होने लगा, तो -4 वोल्ट पर 0, -3, -2, -1 और 0 आ जाएगा। जब ए 0 आ जाएगा तो ये धीरे धीरे वेवफॉर्म इस शेप में आएगी, इस शेप में ऐसे यहाँ पर, मतलब ए वाली वेवफॉर्म इतने, जो ऊपर का हिस्सा है इतनी वेवफॉर्म आपकी यहाँ पर बनेगी, और नीचे का ए वाला हिस्सा जितना हम यहाँ पर रेड से करे दे रहे, इतना हिस्सा आपका क्लिप आउट हो गया, ए वाला हिस्सा आपका कट गया है यहाँ पर, क्लियर है। तो ए आया 14 वोल्ट, Vi+4 वोल्ट, Vi की वैल्यू कितनी थी आपकी, 10 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, 14 वोल्ट तक यहाँ जाएगा।
और 4 वोल्ट से ही ये स्टार्ट होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक तो डायोड ऑन रहेगा, और जब ये 4 वोल्ट से नीचे जाने लगेगा, यहाँ पर जाने लगेगा, तो डायोड निश्चित तौर पर हो जाएगा किसमें, रिवर्स बायस में। तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट जो हमने यहाँ बनाया है। जब ओपन हो जाएगा तो बी नॉट की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू 0 आ रही है, ये 0 लिखा है यहाँ पर 0, तो ये हो गई इसकी फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म। क्लियर है? तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, ये दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम था, इससे पे बैटरी बदली थी, इसलिए दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में एक साथ लेके आए हैं ताकि दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।